नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ललातपुर प्रखंड के सारण गांव में। सारण गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला और एक किसान के साथ जो घटना घटी है, क्योंकि किसान खेती जब करता है तो सर्वस्व अपना निछावर करके खेती करता है और उस खेती से उसका आस होती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है आखिर सारण गाँव में, और ये विगत कई बार हुआ और वह किसान चुपचाप है, लाचार है, बेबस है और क्या कह रहा है वो अपनी जुबानी से हम आपको बताएंगे। पहले वस्तु स्थिति को हम आपको बताते चलें। वस्तु स्थिति यह है कि यह मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस खेती पर कुछ बातें आपसे करनी है। इस तपती गर्मी के दिन में किसान एक एक फसल को अपने बच्चे की तरह पोसता है और पालता है। ये मक्के की खेती आप देख सकते हैं, इस मक्के की खेती जिसको पानी से पटाते पटाते किसान के दम निकल जाता है, और इस तरह से इस खेती को कैसे उजाड़ा गया है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। कि आजकल एक नया ट्रेंड सा चला है कि झगड़ा होता है या कुछ भी होता है तो लोग खेती को कैसे बर्बाद करते हैं। ये आप देखिए, ये है मक्के की खेती। अभी ये बाल्यावस्था में यह मक्का का खेती है। इसमें अब पटाने के लिए इसकी व्यवस्था की जा रही है, कई बार पड़ चुका है, किसान के कई कितने पैसे खर्चे इसमें हो चुके हैं और इस खेती को रात में उजाड़ दिया गया है। ये देखिए खेती, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रात में कोई आ करके और इस खेत के फसल को किस तरह से नष्ट किया है आप देख सकते हैं। और ये है मक्के की खेती। मैं जानूंगा उस किसान के जुबानी कि आखिर किससे उनकी दुश्मन का करियो। जबकि मैं बताते चलूं दोस्तों, यहाँ की साक्ष्य के आधार पर उस टमाटर के खेत में एक उसका चुनौती भी मिला था। अगर FIR होता तो साक्ष्य के आधार पर छानबीन होती तो वो पकड़ा जाता उसी समय। लेकिन किसान के कहने का मतलब ये है कि मैंने सोचा कि अब इसमें सुधार आ जाएगा, अब केस करेंगे फिर। हाँ, केस करके अब नाम देंगे। अच्छा, कब से ये आपके साथ हो रहा है? ओ, लमसम 23 दिसंबर, नवंबर दिसंबर 23 से हो रहा है। ये एक बार हुआ था घर पर, वो चढ़ रहा था तो हम लोग देख लिए, तो मेरा लड़का तो लाठी पाट दिया था, माने चोरी करने के लिए चढ़ रहा था। हाँ। लेकिन हम छोड़ दिए, हम बोला लड़का सो को कि छोड़ दो, वो इज्जत का सवाल है, अब समझ जाएगा। लेकिन नहीं समझा, दूसरका बार टमाटर उखड़ गया, उसमें भी छोड़ दिए कि अब सुधरेगा। लेकिन ये तीसरका बार हुआ है, लेकिन अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, जैसे होगा वैसे अब लड़ूंगा उसके साथ। लेकिन ये जो भी घटना है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसा घटना बिरले ही कहीं देखने को मिलता है। अगर किसी से झगड़ा है, किसी से दुश्मनी है तो उसके साथ निभाया जाए। वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप देखें कि इस समाज में इस तरह के अपराध भी हो रहे हैं, यह भी एक अपराध है, इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इस वीडियो को देख करके आप चेतें कि नहीं, अगर आपको दुश्मनी है तो आप उसके साथ जा करके बैठिए, उससे पंचायत कीजिए, सरपंच को बुलाइए, गांव के 10 लोगों को बुलाइए और उसका निपटारा कीजिए। लेकिन फसल के साथ ही ऐसा करना ईश्वर भी देख रहा है, ये जघन्य पाप है और जघन्य अपराध है। तो आगे आपका क्या कदम होगा सरकार? केस करेंगे, केस करके नाम देंगे उसको, उसका नाम दे करके उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये था, मैंने आपको दिखाया किसान की आप बीती, तो सावधान हो जाए चोर, अब FIR होने वाला है, पुलिस पर तहकीकात करेगी और हो सकता है कि वो जुर्माना आपको लग जाए कि फसल जब से शुरू हुआ है, फसल के लगाने से लेकर उसको फल देने तक का जुर्माना उस पर लग सकता है। अब FIR के बाद ही आपको पता चलेगा, तब तक नया अपडेट कोई आता है तो मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।